कोई मयार होता है, अपने अंदर कोई मयार पैदा करे। इसलिए आप लोगों को भर्ती किया गया है। भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप घरों में घुस के, बेडरूम में घुस के कैमरे लगाए। आपको ओथ इस चीज का दिया जाता है, आपको तो ओथ दिया जाता है कि आप हमारे बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करें, खुदा को माने। अगर आप ये समझते हैं कि इन तरह के अरकात से आप इदारे की साख को बेहतर कर रहे हैं या मुल्क की साख को बेहतर कर रहे हैं, ये आपकी खाम ख्याली है। ये जो 6 जजेज हमारे मुल्क में जो तहरीरी तौर एक लेटर लिख चुके हैं सुप्रीम जुडिशल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, कि हमारे साथ चल क्या रहा है, अगर ये लेटर कोई पढ़ लेना और इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर ले तो हम हैरान रह जाएंगे। हर मुल्क में कोई भी मामला होता है ना तो उसका एक इखलाकी मयार होता है। आप जाहिर सी बात है जमहूरी निज़ाम में किसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हैरानकुन तौर पे कुछ लोगों को इस मुल्क के साथ और इस इदारों के साथ जोड़ना मैं तोहीन समझता हूँ। काजी साहब की मिसाल देता हूं कि उन्हें चीफ जस्टिस कहना और उन्हें अदलिया के साथ जोड़ना, ये मेरे ख्याल से ये अदलिया के साथ ना इंसाफी है। दूसरा जो हमारे मुल्क के वजीर आजम है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको सियासत के साथ और जमहूरियत के साथ जोड़ना, ये सियासत और जमहूरियत और इस मुल्क के साथ जुल्म है। तीसरा पावर स्ट्रक्चर में एक शख्स बैठा हुआ है जिसे इदारे के साथ जोड़ना और इस मुल्क के साथ जोड़ना, ये जुल्म है। इन लोगों को इलाज की जरूरत है, ये नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। ये नफ्सियाती मरीज के ऊपर और इनके गंदे किरदार के ऊपर इमरान खान 2 सालों से चीखता हुआ आ रहा था, उसकी जमात 2 सालों से चीखती हुई आ रही थी। उसके बदले में हमारे साथ हुआ क्या, हमारे लीडर पे फायरिंग की गई, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीना गया, हमारे मुल्क के सबसे बड़े सियासी जमात के जितने हमारे कैंडिडेट थे, मैं आपको मिसाल कासिम खान सूरी साहब की देता हूं कि वो आज क्यों ग्राउंड पे नहीं है। आज हमारे बहुत सारे सियासी नौजवान जो इस मुल्क में एक जमहूरी निजाम के तहत अपने कौम के, अपने सूबे के, अपने हलके के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन आज वो क्यों आपको नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह सिर्फ एक है कि यहाँ पावर स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लोगों को लाना चाहती है जिस तरह के लोग हमारे जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। कोई मयार होता है, अपने अंदर कोई मयार पैदा करे। आप लोगों की वजह से इस मुल्क की जो बेइज्जती हो रही है ना, इस परचम की जो बेइज्जती हो रही है, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। दूसरी तरफ से मुहिबे वतन भी आप बनते हैं और गदार उन्हें कहते हैं जो आपको दस्तूर की बात करते हैं, जो आपको कहते हैं कि दस्तूर के ऊपर अमल दरामद किया जाए। 2 सालों से इमरान खान जब चीखता हुआ आ रहा था तो आप लोग कह रहे थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क के इदारों के खिलाफ है। अब तो आपके मुल्क के अपने सिटिंग जजेस, वो जजेस भी नहीं जो रिटायर्ड हुए, सिटिंग जजेस हाईकोर्ट इस्लामाबाद के जजेस चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप घरों में घुस के, बेडरूम में घुस के कैमरे लगाए। इसलिए आप लोगों को भर्ती किया गया है। आपको ओथ इस चीज का दिया जाता है, आपको तो ओथ दिया जाता है कि आप हमारे बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करें। आप तो ओथ लेते हैं कि आपने कौमी मफादात की प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं, खुदा को माने। अगर आप ये समझते हैं कि इन तरह के अरकात से आप इदारे की साख को बेहतर कर रहे हैं या मुल्क की साख को बेहतर कर रहे हैं, ये आपकी खाम ख्याली है। और दूसरा, हम आवाम से अपील करते हैं और इदारों में जो सिंसियर लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि देखिए बैन अलाक्वामी तौर पे एक कानून है, किसी भी इदारे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो रिटायर होता है, मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, वो 3-4 साल तक अपने मुल्क से नहीं निकल सकता है, उसको जांचा जाता है, उसे देखा जाता है, परला देखा जाता है। लेकिन आपके मुल्क का निजाम क्या है, रिटायर होने के बाद बाहर चले गए, वो मुहिबे वतन हो गए और जो यहां ख्वार होते हैं, जो जलील होते हैं, जो गोलियां बर्दाश्त करते हैं, जो जेल बर्दाश्त करते हैं, जो अपनी फैमिलियां कुर्बान करते हैं, वो गदार हो गए। देखिए जब तक हम 100% हकायक के मुताबिक किसी भी मसले को मसला नहीं कहेंगे और जहां से वो मसला पेश है उसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो इस मुल्क का कोई मसला भी हल नहीं होगा। तो हम अपील करते हैं फिल फोर इस मुल्क के जो एक चीफ जस्टिस बैठे हुए काजी साहब, इन्हें मुस्तैफी होना चाहिए इखलाकी तौर पे, इनका ये कोई हक नहीं है कि ये हमारे अदलिया को लीड करें। दूसरा जो आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, उनका कोई हक नहीं है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। दूसरी तरफ से उनके ऊपर इमरान खान तो बहुत पहले अदम एतमाद कर चुका है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो बहुत पहले अदम एतमाद कर चुका है, अब तो आपके अपने जजेस ने अदम एतमाद कर दिया है। खुदा को माने, इखलाकियात को तस्लीम करें, इस मुल्क में कुछ तो होना चाहिए। शरीयत आप तस्लीम नहीं करते, जमहूरियत आप तस्लीम नहीं करते, इंसानियत आप तस्लीम नहीं करते, लेकिन कम से कम अपने अंदर कोई इखलाकी मयार रखें।